हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूं एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे ऑफ ऑल टाइम के बारे में। तो मैं ये लिस्ट बनाने की कब से सोच रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे टॉप 10 के लिस्ट में 50 से ज्यादा एनिमे आते हैं। मैं जानता हूं काफी अजीब लग रहा है सुनने में, पर 50 से ज्यादा एनिमे आते हैं मेरे टॉप 10 के लिस्ट में। मतलब कि वो 50 ऐसे एनिमे जिन्हें मैं टॉप 10 के लेवल का समझता हूं। तो मुझे काफी मुश्किल हो रही थी उन 10 शोज की लिस्ट बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ, मैं 10 निकालने की जगह मैं 5 वीडियो बना सकता हूँ टॉप 10 एनिमे के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और उन सब में मेरे टॉप 10 एनिमे को रख सकता हूँ। तो हियर आई प्रेजेंट यू माय टॉप 10 एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और इस लिस्ट में अगर कोई शो किसी शो से ऊपर रहा तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो शो उससे ज्यादा पसंद है, बल्कि मेरे लिस्ट में जितने भी शो ये 50 के 50 शोज जो मेरे टॉप 10 में आते सब एक ही लेवल के हैं। तो इस लिस्ट में जो भी शोज है सारे इंटरचेंजेबल है, यानी कि आज अगर नंबर 1 पे ये है तो अगर मेरा मूड किया तो बाद में दूसरा शो भी नंबर 1 पे आ सकता है। ऐसा नहीं कि अल्टीमेटली नंबर 1 पे जो शो है वो नंबर 1 पे ही रहेगा और नंबर 10 पे जो शो है वो नंबर 10 पे ही रहेगा। मेरा नंबर 10 का शो भी नंबर 1 पे आ सकता है, सारे शोज ऐसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये काउंटडाउन। तो क्योंकि मैं आपको किसी भी चीज के बारे में स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए ये स्पॉइलर फ्री लिस्ट होगी। मैं आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा उसके बारे में। नंबर 10 पे हमारी लिस्ट में आता है नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन। ये एक मस्ट वॉच क्लासिक है और ये मेरे फेवरेट एनिमे में से एक भी है। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने इसको रीमास्टर्ड वर्जन इसका अपलोड किया है नेटफ्लिक्स ने अभी रिसेंटली। और ये ओरिजिनली 1995 की सीरीज है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नन अदर देन हिडेकी आनो। और अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ हिडेकी आनो का। मुझे हिज एंड सर्कमस्टेंसेस भी काफी पसंद है, वो भी मेरे फेवरेट एनिमे में से एक है। नियॉन जेनेसिस पोस्ट एपोकलिप्टिक एनिमे है। इसमें दिखाया है कि अर्थ अपने एंड के कगार पे, ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, और उसका रीजन है एंजल्स नाम के एक ऐसे जीव जिनके बारे में कुछ दिखाया नहीं, कहां से आए, कौन है ये, सीधा आपको एंड में पता चलेगा इनके बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में काफी कुछ, लेकिन नहीं बता सकता, आपको स्पॉइलर नहीं दे सकता मैं। ये ऐसी माइंड ब्लोइंग सीरीज है कि क्या बताऊँ। तो उन एंजल्स को हराने के लिए एवा नाम के रोबोट्स, जायंट रोबोट्स बनाते हैं, सुपर रोबोट्स बनाते हैं साइंटिस्ट। अगर आप ये मेरे बोलने पे देख रहे हैं ये शो, तो आपको मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा कि ये शो थोड़ा स्लो है। ऐसा नहीं कि ये शो स्लो है, पर आपको स्टार्टिंग में इन लोग खाली स्टोरी सेट है उसके बारे में धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, आपको धमाके सीधा एक ही बार में नहीं दिए जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में दिखाया जाएगा, उसके वर्ल्ड के बारे में दिखाया जाएगा, कैसा वर्ल्ड है, वहां लोग किस तरीके से रह रहे हैं और क्या चल रहा है वहां पे। पर एक बार जब एफा चालू हो गया अपने मेन पॉइंट पे, तो उसके बाद आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे उससे, और इन्हीं कारणों की वजह से मेरे नंबर 10 पे है नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे हमारे लिस्ट में है मोनोनोके। अब मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसका छोटा सा रिव्यू भी डाला था ये देखने के बाद, तो अगर वो रिव्यू देखना चाहते तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे फॉलो भी कर देना। इस शो की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये एक सीक्वल है आयाकाशी का, इसे सीक्वल भी नहीं कह सकते, पर ये एक उसका कह सकते हैं कि स्पिन ऑफ है उसका। इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है कुसुरी उरी या द मेडिसिन सेलर, वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो जगह जगह जाके आयाकाशी या एक तरीके से एक स्पिरिट कह सकते हैं मोनोनोके, तो उनसे उनको हराता है या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनको एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज यानी कि जो एक्सोरसिस्ट करते हैं। तो ये एपिसोडिक सीरीज है, यानी कि हर एपिसोड में कुछ नया होता है, आर्क पे बेस्ड है। दो एपिसोड्स में एक आर्क कवर होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। मोनोनोके एक ट्रू सेंस में पीस ऑफ आर्ट है, आपको हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगेगा, और ये इसकी खासियत है, इसकी ब्यूटी, इसके एस्थेटिक। इस वजह से मेरे लिस्ट में नंबर 9 पे है मोनोनोके। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे हमारे लिस्ट में आता है मोनोगतारी। अब इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में वीकली एनिमे रिकमेंडेशन। मोनोगतारी कोयोमी आरारागी की कहानी है, एक हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर। मोनोगतारी आर्क वाली सीरीज है यहाँ, यानी कि इसमें अलग अलग आर्क्स होते हैं जिसमें अलग अलग स्टोरी दिखाई जाती है। बेसिक स्टोरी है कि आरारागी हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर की लाइफ की कहानी है, पर उसमें अलग अलग आर्क होते हैं, वो अलग अलग लोगों से मिलता है, नए दोस्त बनाता है और कई सारे दुश्मन बनाता है। और बस इसके बारे में क्या कहूँ, बस इतना कहूंगा कि प्लीज इसे देखिए, ये भी मेरे फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम में से एक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पे मेरे लिस्ट में आता है कावबॉय बीबॉप। ये भी एक ऐसी सीरीज है कि जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कावबॉय बीबॉप किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। ये कहानी है स्पाइक स्पेगल नाम के एक कावबॉय की, ऐसा वैसा नहीं, स्पेस कावबॉय।
ये कहानी फ्यूचर में बेस्ड है 2071 में, जहाँ पे ह्यूमैनिटी ने काफ़ी तरक्की की और वो दूर दूर अलग अलग प्लैनेट में सिविलाइजेशन चालू हो गया और उन लोग अर्थ को छोड़ चुके हैं। अर्थ को बर्बाद करने के बाद पूरी तरीके से अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं पर उसे पिछड़ा प्लैनेट कहा जाता है। और ऐसे टाइम पे स्पाइक जो कि काउबॉय है वो बाउंटी हंटिंग करता है, काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को पकड़वाता है पैसे के बदले में फ्रीलांसर, और वो काफ़ी सारे दोस्तों से मिलता है इसी काम के बीच में। पर उसका एक सैड और डार्क पास्ट भी है। वो असल में एक सिंडिकेट का एक्स मेंबर रहता है और जैसा कि आप सब जानते होंगे सिंडिकेट का एक ही रूल है, आप कभी उसके बारे में बात नहीं करते और आप कभी वहाँ पे आ गए तो आप कभी छोड़ के जा नहीं सकते। पर स्पाइक छोड़ के चले जाता है जिसकी वजह से उसके पीछे सिंडिकेट के मेंबर भी पड़े होते हैं। माइनर स्पॉइलर अलर्ट। और काउबॉय बीबॉप मेरे मोस्ट फेवरेट एनिमे में से एक है और ये एक मास्टरपीस से कम नहीं, जैसा कि मैंने कहा था। तो ये है नंबर 7 पे काउबॉय बीबॉप। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पे हमारे लिस्ट में आता है मुशीशी। अब ये मुशीशी एक ऐसा शो है जिसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो भी कुछ नहीं बताने जैसा ही हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं जानना चाहोगे, आप सीधा सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहोगे उन सारी चीज़ों को। ये काफ़ी हार्ट फेल्ट सीरीज है। ये कहानी है गिंको की, एक ऐसा बंदा जो जगह जगह जाके मुशी को ढूंढता है और उनकी जो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करता है। तो अब मुशी क्या होते हैं? तो मुशी ऐसे मिस्टीरियस बींग होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आते हैं, वो क्या होते हैं, वो अच्छे होते हैं वो बुरे होते हैं किसी को नहीं पता। तो ये है मुशीशी। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे आता है गिंतामा। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हुए तो आपको पता होगा मैं मेनियक हूँ, कितना बड़ा गिंतामा फैन हूँ मैं, और ये मेरे मोस्ट फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम में से एक है। मेरे ख्याल से मैं नंबर 1 पे रखूंगा इसे मोस्ट फेवरेट में। नंबर 1 के लिए गिंतामा का और उस शो का जो नंबर 1 पे है इस लिस्ट में, उन दोनों के बीच में टाई है। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। गिंतामा एक ऐसी सीरीज है जिसमें कुछ स्पॉइलर देने के लिए नहीं है। गिंतामा कहानी है साकता गिंतो की नाम के एक सैमुराई की जो प्रोहिबिशन एरा में रह रहा होता है। लेकिन प्रोहिबिशन किस चीज का? तो वो प्रोहिबिशन होता है स्वॉर्ड का, और वो प्रोहिबिशन किसने लगाया होता? तो वो प्रोहिबिशन लगाया होता है एलियन ने। अब आप सोचेंगे कि सैमुराई के टाइम पे कहाँ से आ गए एलियन? तो यही इसकी स्टोरी है, काफी बिजार स्टोरी है इसकी, लेकिन इतने अच्छे से वर्कआउट करती है। ये कॉमेडी सीरीज है, साथ ही साथ काफी इमोशनल सीरीज भी है ये। और बस मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताना चाहूंगा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज जाके इसे देखिए। और गिंतो की अपना और जॉब का काम चला रहा होता है, और जॉब यानी कि जो लोग पैसे के बदले में छोटा मोटा काम करते हैं, मतलब सुपारी लेने का नहीं पर किसी के घर में झाड़ू मारने का या किसी का पेट खो गया वो ढूंढ के लाने का, ऐसे काम करते हैं उन्हें बोलते हैं और जॉब्स। बस अब मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, अभी अगर आपको आगे का जानना है तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो ये था नंबर 5 पे गिंतामा। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारी लिस्ट में आता है मॉन्स्टर। मैंने अभी तक 2-3 बार कह दिया होगा कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बताने नहीं चाहता उस शो के बारे में, पर इसके टाइम पे वो लिटरली अप्लाई होता है। मैं मॉन्स्टर के बारे में आपको कुछ स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, और इसके बारे में अगर आपको स्पॉइलर मिल गया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस शो के बारे में आपको ना पता चले तो ही अच्छा है, आप इस शो को एक्सपीरियंस कीजिए, इसके बारे में किसी से सुनिए मत। तो मैं भी आपको इसके बारे में बता के कुछ ज्यादा प्रेजिडिस आपके मन में नहीं डालना चाहूंगा, बस इसकी स्टोरी बताऊंगा। डॉक्टर तेनमा एक न्यूरोसर्जन रहता है और उसके हॉस्पिटल में एक 2 केस आए रहते हैं, एक बच्चा रहता है जो मरने वाला रहता है और एक मेयर रहता है, उसको भी इलाज की जरूरत रहती है। तो वो मेयर की मदद ना करते हुए बच्चे की मदद करता है, उस बच्चे की जान बचाता है। तो आप सोच रहे हो कितना अच्छा काम करता है, पर इस अच्छाई की उसको कीमत चुकानी पड़ती है कई सालों बाद। उसके इस हरकत का एक कॉन्सिक्वेंस होता है और वो जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो ये था नंबर 4 पे मॉन्स्टर। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे हमारे लिस्ट में आता है गिंगा एयू देनसेत्सुया द लेजेंड ऑफ द गैलेक्टिक हीरोज या लॉक एच। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा टॉप 5 एनिमे ऑफ ऑल टाइम, तो उसमें मैंने सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है इस शो का मुझे लगता है, और मैं जानता नहीं मैं उसे रिक्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैं नहीं करने का ट्राई भी नहीं करूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन जानने के लिए, इसकी स्टोरी जानने के लिए। मैं शॉर्ट में इतना बताऊंगा कि ये कहानी अपने आप में एक बिग बैंग है आप कह सकते हैं, जैसे कि हर चीज की एक शुरुआत होती है, एक छोटे से बिग बैंग से इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स बन गया, मल्टीवर्स बन गया। ये शो उस बिग बैंग की तरह ही है। एक ऐसी चीज जो इस शो को इतनी खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक पूरी लेगेसी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें पास्ट भी है और फ्यूचर भी,
इसे देखते टाइम आपको एहसास होगा कि एक थर्ड पार्टी के नजरिए से चीजों को होते देखना कैसा लगता है। आप बाकी शोज देखते हो, बाकी शोज में भी आप थर्ड पार्टी होते हो, पर आप कभी वो नोटिस नहीं करते, आप कभी वो सोचते नहीं, आप सिर्फ देखते जाते हो और बस देखते हो। लेकिन ये देखने के बाद आप नोटिस करोगे, आपको एहसास होगा कि कैसा लगता है थर्ड पार्टी के नजरिए से एक पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर को अपने आंखों के सामने होते देखना, अलग अलग चीजों को होते हुए देखना, अलग अलग लोगों को अलग अलग चॉइसेस करते हुए देखना, उन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंस होते हुए देखना। ऐसा लगा कि आप भगवान, एज अ भगवान आप ह्यूमैनिटी को देख रहे हो प्रोग्रेस करते हुए, डिस्ट्रक्शन करते हुए, उनके काम के उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हुए देख रहे हो। तो ये मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है और इससे मुझे लगता है कि ये प्रोबेबली ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है गिंगा यूदेनसेत्सु। भले मैंने कहा कि मेरे टॉप 10 की लिस्ट में 50 से ज्यादा एनिमे आते, पर अगर मुझे ग्रेटेस्ट की लिस्ट बनानी रही तो सिर्फ 7 एनिमे हैं जिन्हें मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में काउंट करता हूँ, जिन्हें मैं कंसिडर करता हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनके ऊपर मैं कभी और बात करूंगा किसी और दिन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। अगला शो नंबर 2 पे हमारी लिस्ट में आता है स्टाइन्स गेट। अभी तक तो आपने स्टाइन्स गेट का नाम सुनी लिया होगा अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो। 2011 में आई ये सीरीज एक ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज थी स्टाइन्स गेट, जिसने टाइम ट्रेवल को एकदम अलग ही रूप से दिखाया। स्टाइन्स गेट ओकाबे रिंतारो नाम के एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैड साइंटिस्ट की स्टोरी है, जिसे साइंस बहुत पसंद होता है और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करता रहता है। उसका एक हैकर और स्मार्ट दोस्त रहता है डारू, और उसके एक बचपन की फ्रेंड रहती है मायूरी, या मायूशी कह सकते हैं आप। तो उसकी लाइफ एकदम इसी तरीके से जारी होती है जब तक उसने अनजाने में अचानक से एक टाइम मशीन नहीं क्रिएट कर दी होती है। उसने अनजाने में एक एक्सपेरिमेंट किया रहता है अपने माइक्रोवेव के साथ, जिससे वो गलती से टाइम ट्रेवल कर देता है। पहले तो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, ये काफी दिलचस्प चीज लगती है, जब तक उसे इस टाइम ट्रेवल का कॉन्सिक्वेंस नहीं झेलना पड़ता है। जब उसके इस टाइम के साथ खिलवाड़ की वजह से उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तब वो पछताता है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और आगे जाके क्या होने वाला है वो आपको ये शो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसे जरूर देखना, मस्ट वॉच स्टाइन्स गेट नंबर 2 पे। अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे हमारे लिस्ट में आता है सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन, माई फेवरेट एनिमे सीरीज ऑफ ऑल टाइम, और इसे भी मैं रखना चाहूंगा उस लिस्ट में ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम के, और स्टाइन्स गेट को भी उसमें रखना चाहूंगा मैं। तो ये जो टॉप के 3 एनिमे थे मेरे, ये थे ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम के मेरे 3 कंटेंडर। इसकी स्टोरी में ऐसी है कि मैं आपको इसमें कुछ स्पॉइलर नहीं दे सकता, मैं इसमें आपको कुछ बताऊंगा तो भी आपको समझेगा नहीं, और मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना भी नहीं चाहता। ये कहानी है इवाकुरा लेन की, जो कि दिखने में तो काफी नॉर्मल लड़की होती है, लेकिन वो काफी सारे ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये एक साइबरपंक साइफाई है जो आपका माइंड ब्लो करके रख देगा आप पहली बार जब इसे देखोगे, और ये एक ऐसा शो है जो आपको एटलीस्ट 3 बार देखने तक तो पूरा बिल्कुल नहीं समझेगा। आप इसे फर्स्ट टाइम देखोगे आपको काफी कंफ्यूजन होगा, आपको काफी सारी चीजें एंड होने तक काफी सारी चीजें पता चल जाएगी, पर फिर भी काफी सारी चीजों के बारे में कंफ्यूजन रहेगा। आप सेकंड टाइम देखोगे आपको और अच्छे से समझेगा, आप थर्ड टाइम देखोगे आपको और अच्छे से समझेगा। लेकिन मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि आपको ये शो पूरी तरीके से कभी नहीं समझेगा, आप इसे 100 बार भी देख लो। ये एक ऐसा शो है जिसे कई सालों से ओताकू ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं और इनके बारे में कई सारी थ्योरी बना रहे हैं, पर 100% गारंटी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि उनकी थ्योरी सही है। हर कोई डिस्कस करता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, पर कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता। ये इतना खास एनिमे है, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बस कहूंगा कि जाके देख लीजिए ये शो। और इसके बारे में भी मैंने अपने इस वीडियो में बताया है टॉप 5 एनिमे ऑफ ऑल टाइम के बारे में, तो अगर आपको स्टोरी जाननी है तो आप उसमें चले जाइए, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये है मेरे लिस्ट की नंबर 1 पे सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन, ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम और वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और ये थे मेरे टॉप 10 की लिस्ट का पार्ट 1। अब मेरे टॉप 10 का पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द, और भले वो पार्ट 2 में, उसका मतलब ये नहीं कि पार्ट 1 के शोज पार्ट 2 के शोज से ज्यादा बेहतर है। मैं बस रैंडमली मैंने चूज किया कि मैं टॉप 10 में किसको रखूंगा फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में किसको रखूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड पार्ट में जो मैंने टॉप 10 बनाया वो फर्स्ट पार्ट के नीचे है। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।